अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ल्स ला, और जे चार्ल्स ने 1787 में ये ला पेश किया। ये ला की स्टेटमेंट देखते हैं, जरा गौर कीजिएगा। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गैस का जो वॉल्यूम है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, जब प्रेशर को और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप में एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हम ये वॉल्यूम लिखेंगे और प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके बराबर लगाएंगे, और ये के आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और ये टेम्परेचर, तो लिखेंगे वी इज इक्वल टू के टी, और फिर ये टेम्परेचर जो है वो इस साइड पे आके वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा, तो वी ओवर टी जो है वो बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के, और वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां जो के है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। याद रखिएगा द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर, वॉल्यूम टू टेम्परेचर ये जो रेशियो है रिमेन कांस्टेंट। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है, वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशियो है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशियो, वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब टेम्परेचर कम किया जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन वी ओवर टी, वी टू टी रेशियो यानी वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशियो चेंज नहीं होगी। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम करते जाओगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, लेकिन ये वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगी। व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाएगा। इफ टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2, अगर टेम्परेचर को जो है T1 से T2 कर दिया जाए, यानी इनिशियल से फाइनल टेम्परेचर पर ले जाए, यानी टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, एंड वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2, तो वॉल्यूम V1 से क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ये T1 इनिशियल टेम्परेचर है और T2 फाइनल टेम्परेचर है। V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है और V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है। अब हम इसको इस फार्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू के, एंड V2 ओवर T2 इज इक्वल टू के। टेम्परेचर जो मर्जी हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो वही रहेगी, टेम्परेचर चेंज होगा। लेकिन इस केस में भी वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो वही रहेगी, इस केस में भी वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो वही रहेगी, क्योंकि ये दोनों रेशियो सेम रहेंगी, दोनों कांस्टेंट के इक्वल हैं, इसलिए हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं, और हमने वेरीफाई करना है कि वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो कांस्टेंट होती है जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाए। हमने ये साबित करना है, वेरीफाई करना है कि V1 ओवर T1 बराबर होता है V2 ओवर T2 के। लेट अस कंसीडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन। तो ये एक सिलेंडर कंसीडर करें जिसमें जो है मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, और इसमें गैस की एक खास अमाउंट पैक या क्लोज की गई है, और इस गैस का जो सिलेंडर में इनिशियल टेम्परेचर है वो 283 केल्विन है,
और 283 केल्विन पर जो सिलेंडर में गैस का वॉल्यूम है वो V1 566 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, T1 से T2 करेंगे, यानी 283 केल्विन से जब टेम्परेचर को 373 केल्विन कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया। हमें पता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है और वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, यानी 566 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़कर 746 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ T1 जो है वो गैस का इनिशियल टेम्परेचर है जो कि 283 केल्विन है, और V1 जो है वो गैस का इनिशियल वॉल्यूम है 566 सेंटीमीटर क्यूब, और T2 जो है वो गैस का फाइनल टेम्परेचर है 373 केल्विन, और V2 जो है वो गैस का फाइनल वॉल्यूम है 746 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस फार्मूला में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये V1 की वैल्यू आ गई 566 सेंटीमीटर क्यूब, और ये T1 की वैल्यू आ गई 283 केल्विन, और बराबर है V2 की वैल्यू आ गई 746 सेंटीमीटर क्यूब, और T2 की वैल्यू आ गई 373 केल्विन। तो इनको डिवाइड किया तो जवाब आ गया 2, और हमने देखा कि V1 ओवर T1 की जो रेशियो है वही रेशियो V2 ओवर T2 की है, और कांस्टेंट के इक्वल है, रेशियो चेंज नहीं हुई। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशियो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाए। तो ये रेशियो कांस्टेंट आने का मतलब ये है कि चार्ल्स लॉ वेरीफाई हो गया कि चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो कांस्टेंट रहती है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, लेकिन वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जैसा कि यहां कांस्टेंट रही है। हेंस चार्ल्स लॉ इज वेरीफाइड। तो इस तरीके से चार्ल्स लॉ वेरीफाई हो गया। अल्लाह हाफिज।